नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश में नौजवान युवक का मर्डर हो गया है, तो क्षेत्र में ये सनसनी फैल गई है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष, जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो कांगड़ा के तरसुहा में घर के निकट मिला युवक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस मौके पर। हिमाचल के कांगड़ा जिले के तरसुहा में आज सुबह युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय रमन कुमार निवासी तरसुहा के रूप में हुई है। जिस स्थान पर मृतक युवक का शव मिला है, उसी स्थान से कुछ ही दूरी पर मृतक का घर है। शव मिलने के स्थान पर जगह जगह खून बिखरा हुआ है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि युवक हत्या कर उसके शव को रास्ते से 10 फीट नीचे फेंक दिया गया। मौके पर कांगड़ा पुलिस पहुँच गई है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि तरसुहा पंचायत प्रधान सुनील दत्त ने बताया कि उन्हें सुबह एक शव मिलने की जानकारी मिली और उन्होंने कांगड़ा पुलिस को सूचित किया। बताया जा रहा है कि सुबह कुछ लोग जंगल की तरफ निकले थे, तो रास्ते में खून दिखा और रास्ते के नीचे 10 फीट जब उन्होंने जांच की तो वहां एक युवक का शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक के सिर और मुंह में काफी खून निकला हुआ था, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक के सिर पर पत्थरों से वार किया गया है। घटनास्थल पर मृतक युवक का मोबाइल नहीं मिला है, जबकि वहां पर एक मोबाइल कवर मिला है जो कि युवक के मोबाइल का बताया जा रहा है। दूसरी ओर थाना प्रभारी कांगड़ा विजय कुमार शर्मा ने बताया कि तरसुहा पंचायत में एक शव मिलने की जानकारी मिली है और मौके पर कांगड़ा पुलिस पहुंच गई है। मामले की जांच की जा रही है और धर्मशाला से फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है। युवक परिवार में सबसे छोटा था और उसके दो बड़े भाई भी हैं। वह कांगड़ा में पेंटर का काम करता था। तो यही है बड़ी खास खबर कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तरसुहा में घर के निकट युवक का शव मिला है, तो हत्या की आशंका जताई जा रही है, वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।